होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। यार आप लोगों ने भी कहना है इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन ही नहीं खत्म होनी, जब देखो अगले व्लॉग में एक और सेलिब्रेशन है, अगले व्लॉग में एक और सेलिब्रेशन। बस क्या करें यार, हमारे चाहने वाले ही बहुत ज्यादा हैं। बस कभी गुरूर नहीं किता तो करना तुसे भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, सीन्स कुछ इस तरह के हैं कि एक और जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन की जाने वाली है, तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं थी तो अब मुझे हो गई है छुट्टी, हम वापस आ गए हैं। तो अभी जी हम सीन्स कुछ इस तरह के हैं कि खाना खाने जा रहे हैं, थोड़ी बर्थडे सेलिब्रेशन एक दफ़ा और कर ली जाएगी, कपड़े शपड़े रेडी कर दिए हैं, तो मैंने सोचा साथ में एक अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर लिया जाए। सो गाइस, आपने करना क्या है, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है ताकि वीडियोज़ अच्छी अच्छी देखने के लिए मिलती रहें, और अगर व्लॉग पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। नहीं भी पसंद आता तो कोई बात नहीं, माड़े बंदे ने तुसी लाइक कर दोगे तो तारा कुछ भी नहीं जाना। ओके सो करना क्या है, कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं, ये वाला कुर्ता पहनूंगी मैं, कैसा? ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, हमने बाद भी ट्रेंड तो किया ही नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? सो ये नहीं सोचना कि बार्बी ट्रेंड होने जा रहा है, ठीक है, अल्लाह माफ करे। ओके तो ये तो वैसे ही कुदरती पिंक मेरा पहनने को दिल था, तो हमने सोचा आज हम पिंक कलर का कुर्ता पहन लेते हैं। अच्छा गाइज, ये वो ना वही वाला कुर्ता है जो मैंने सफ़ायर से लिया था ना, तो आज मैंने इसको प्रेस किया, मैंने सोचा ये पहनती हूँ, और इसके साथ ना मैंने ऑफ वाइट ट्राउज़र प्रेस किया है, ऑफ वाइट ट्राउज़र पहन लूँगी इसके साथ, और साथ में ऑफ वाइट स्टॉलर जो है ना वो कैरी कर लिया जाएगा। आई होप के अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन वाइट और पिंक का, है ना, अच्छा ही लगेगा। वैसे इस कमरे में इंतहा की गर्मी है, वैसे पंखे के बगैर बोलना, सी पंखा बिल्कुल बंद है, पंखा इसलिए बंद है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ सके, ठीक है, फिर ऐवी शिकायत ना करना मैम फिर शिकायत ना करना कि व्लॉग में आवाज़ अच्छी नहीं आ रही आप लोगों की, ठीक है। सो करना क्या है, पूरा व्लॉग देखना है एंड तक, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा मैं ना अब रेडी हो जाऊँ, बिल्कुल कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ, सो बाहर जाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि टाइम से वापस आना है, टाइम से सोना है, फिर टाइम से ऑफिस भी जाना है, तो ऑफिस वाले तो नहीं ना छुट्टी देते, मजदूर बंदा यार मजदूर ही रहता, भावें जो मर्जी तुम कर लो, भावें दिहाड़ी वाला मजदूर है तो भावें डॉक्टर मजदूर है तो भावें जो मर्जी भी मजदूर है, मजदूर मजदूर ही होंगे, यकीन करो अपना बिजनेस करो, ठीक है। और हाँ अब हम चलते हैं बाहर, सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊँ तो फिर दोबारा आपको मिलती हूँ। सो आई हैव डन माई मेकअप, कितना प्यारा मेकअप मैंने कर लिया है, बहुत लाइट सा वैसे मैं करती, मैं इतना खास नहीं करती। अब ना मेरा दिल है बस जल्दी जल्दी कपड़े शपड़े चेंज किए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, तो बस फिर हमने ना निकल जाना है। सो मैं रेडी हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी लग रही हूँ मैं? पिंक कुर्ते के साथ मैंने ऑफ वाइट ट्राउजर के साथ ना ऑफ वाइट स्टॉलर मैच किया है। सो दिस इज माई फुल लुक, ऐसी लग रही हूँ मैं, ठीक है। पता नहीं क्यों यार मुझसे कैमरा नहीं पकड़ा जाता, ये मेरी ना बड़ी गंदी आदत है, आई गिरने लगी हूँ। अच्छा तो ये साथ में मैंने ज़रा गोल्डन सी चप्पल की है, क्योंकि इसके अंदर ज़रा ना ऐसे ग्लिटर ग्लिटर सा था, तो मैंने ना ये चप्पल ऐड कर ली है साथ में, ठीक है। सो आई होप कि आज का डिनर अच्छा अच्छा रहे और खाना भी अच्छा अच्छा रहे। सो लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट और देखते हैं कि हम क्या खाते पीते हैं। सो आपने पता क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मैं बार बार आपको कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, और मैंने कहते ही रहना आप लोगों को, जब तक आप लोगों ने मुझे कोई 100K ना मेरे करा दिए तो तब तक मैंने आप लोगों को कहते ही रहना है, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन दिल मेरा बहुत करता है कि बस या अल्लाह मेरे जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स आ जाएं और मैं कामयाब हो जाऊं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब लोगों की सपोर्ट के साथ। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ताकि वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें, एंड स्टे विद मी। बड़ा तैयार हो यू ये तुम? हाँ मैंने सोचा अपनी बर्थडे है तो उसके लिए थोड़ा सा तो तैयार हो जाऊँ। वेरी सैड, कल वाला तो तुम्हारे साथ ब्लेंडर हो गया ना, है ना, मैंने इनके साथ शेयर किया है, मैंने कहा इतना अच्छा मैंने ब्लॉग शूट किया और मेरे साथ ऐसे हो गया, वो सारा डल हो गया। अच्छी लग रही है ना, गोल्डन चप्पल पहनी है इस कुर्ते के साथ अटैच करके, मैंने कहा इसके अंदर ना थोड़ी गोल्डन लाइन है तो अच्छा लगेगा, है ना, अच्छी लग रही। नहीं ये वाला पकड़ो ना तुम। तो
अच्छा फिर ना यार हम लोग जो हैं वो कोहिनूर में आ गए दी लाउंज में, यहाँ पे ना नया नया जैपनीज फूड स्टार्ट हुआ है, तो हमने सोचा चलो यार फर्स्ट टाइम है तो जैपनीज फूड ट्राई करके देखना चाहिए कि कैसा लगता है, मज़े का है या नहीं मज़े का। लेकिन वैसे वो तो अब मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताती हूँ, कमेंट्स देती हूँ उनके खाने पे कि कैसा लगा मुझे खाना। वैसे तो लाइव, वैसे मेरे भाई की शादी थी ना तो हमने लाइव स्टेक्स लगवाए थे, तो लाइव खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बारबेक्यू हो या कोई भी। तो ओवरऑल वैसे सेटअप भी अच्छा था, और साथ साथ मैं एक ऑनलाइन की क्लास ले रही थी तो सेटअप भी अच्छा था वहाँ पे। मुझे उनकी ना ये बर्तन बहुत अच्छे लगे, मतलब ब्लैक कलर इज़ माई फेवरेट, चाहे कपड़ों में हो चाहे कुछ भी हो, बर्तनों में हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपनी मामा को कहा हुआ है कि जब ना हम ऐसे घर बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो किचन के ऐसे कैबन्स और जो होंगी ना शेल्फ्स वगैरह उनको ब्लैक रखेंगे। खैर जी, फिर एक लड़का आ गया हमारे सामने वहाँ पे, तो जो हमने ऑर्डर दिया था तो उसको वो ना वहाँ पे पकाने लग गया। पहले तो मेरे जेहन में आया यार जे इत्थे बह के इंतज़ार करना सी तो इन्हों कहना सी कि पका के दवो तो फिर घर ही पका लेंदे, और उसने ये फायर लगाई एकदम। वैसे मैंने फ़ोन ना अपना पीछे किया, मुझे नहीं पता था कि ये सिस्टम भी होने वाला है। तो वैसे ओवरऑल अगर यानी कि आप इंजॉय करना चाहते हैं या आपका दिल करता है कि चलो अच्छा टाइम भी ज़रा ज़्यादा स्पेंड हो जाए तो कोई नहीं, फिर आप उनको जाके कहें कि हमें पका के खिलाएं। वैसे तो ये वो हिसाब हो गया, या तो वो किचन में पका देते हैं यहाँ पे बस उन्होंने आपके सामने पका दिया। तो देख लें अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप यहाँ पे वेट करते रहें और बैठे रहें और वो आपके लिए पकाएं तो फिर आप कर लेना। ये हमने क्या मंगवाया था, चिकन का कोई नाम मुझे याद भूल गया, पता नहीं क्या नाम था, लेकिन खैर बड़ा अच्छा बना रहा था। बड़ी मतलब इन्वायरमेंट जो था ना, और मतलब वो बहुत नीट था, मैं उसको बड़े ही गौर से देख रही थी कि ये कैसे हाथ चला रहा है, कैसे टेक्निक लड़ा रहा है अपनी। तो खैर मुझे मज़ा तो वैसे बहुत आया। तो काफ़ी अरसे बाद जो है ना ऐसे हमने फ्रेंड्स के साथ यूँ ऐसे बैठ के खाना वगैरह खाया, तो बड़े अरसे बाद अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बड़ा मज़ा आया वैसे यहाँ पर। तो यहाँ पे ना फिर वो हमें प्लेट्स में सर्व कर रहा था तो टेस्ट भी अच्छा था। ये कोई लहसुन को ना मैरिनेट किया होता है इन्होंने किसी सॉस वगैरह में, आई डोंट नो किस सॉस में, लेकिन ना बड़ा मज़े का सॉस था जो चिकन में ऐड किया। फिर वेजिटेबल्स को भी अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसने ना बीच में बटर ऐड किया था और बटर का फ्लेवर यू नो बहुत अच्छा आता है। अच्छा यहाँ पे एक और बड़ा ही मज़े का किस्सा हुआ, मज़े का किस्सा ये हुआ कि मैंने ना मोमोज़ कभी भी नहीं खाए थे, तो मैंने कहा अच्छा यार आज ना मोमोज़ ट्राई करके देखते हैं कि इनका क्या यानी कि फ़्लेवर होता है। बड़ा इंडियन स्ट्रीट फूड का मुझे शौक़ था, बड़ा मैंने ना सोचा हुआ था कि यार जब भी मौका मिला ना तो मोमोज़ लाजमी खाने हैं। तो खैर जी जो मेन्यू में नज़र आ रहे थे वो तो नहीं आए, लेकिन जब मोमोज़ मेरे सामने आए ना ये देखें इतने अजीब से लगे, मैंने कहा यार ऐसे होते हैं मोमोज़। तो वसाबी चिकन इज़ माई फेवरेट यहाँ पे फैसलाबाद से, जो मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि सिल्वर स्पून का वसाबी चिकन इज़ जस्ट ऑसम, बहुत मज़े का होता है। तो खैर मैंने फ़र्स्ट बाइट लेके देखी, मैंने देखा मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, तो मुझे अच्छा लगा यानी कि ओवरऑल मतलब अच्छा था। सामने से भाई साहब ने फिर जो है वो फायरवर्क चला दिया मेरे सामने, मेरे मुँह पर ऐसे पड़ा, मैं कहा यार भरावा दस के तो करया कर, इदे ना हो कैमरे नू अग लग जाए, आईफोन बड़ी मुश्किल ना लिया हुआ है, फिर आईफोन लभना भी नहीं सानू। खैर मार्गरीटा भी बहुत अच्छा था, और मोमोज जो है ना फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किए तो रिमशा मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही थी कि ये खाती है तो मैं देखती हूँ भला के कैसे कब लगता है इसको। तो मैंने जब पहली बाइट ली ना तो बहुत टू मच सॉल्टी था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा यानी कि जैसे नमक नहीं होता, मैं ऐसे नाक चढ़ा रही थी इसको, मैं कहूँ नहीं मुझे नहीं ये पसंद आया। मेरे ना जहन में मोमोज़ की कोई और कहानी बनी हुई थी। खैर जी खाना ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। तो बस यहाँ पे फिर हमने अपनी रुखसती ले ली। तो यही था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट कर दीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। बस फिर हम घर जा रहे थे, यहीं पे अपने व्लॉग का मैं करूँगी एंड। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना। सो गाइस सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।